पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना है, और वो किससे? आज पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुना है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते ना, पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया, और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान, मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है, ये MY की पार्टी के बाद। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में, बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी SC ST के कोटे से देने की बात। अच्छा, और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। हाँ बेटा, लगता है तुम गुँ खा के ही मानोगे। आज मुझे लगता है कि ओबीसी के ऊपर जो इतना बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की कोर्ट का, उस पर मैं जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देना संविधान के खिलाफ है या नहीं है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई ऐप है कहीं पे आंकड़े हैं, और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है। जुम करो। तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? गजब बेइज्जती है। जो आपको दर्द हो रहा है, आप भी चुनाव आयोग से कहो ना, नाविका क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए, नाविका ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है नाविका? नाविका जी एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक, एक, एक अच्छी डिबेट करने आता हूँ। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूँ, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है, अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूँ की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को, जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की या कोई इस तरह का काम किया, तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूँ वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं, तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? नहीं।